From last lecture, we were studying about protein structure or level of organization of the protein. Like हमें ये पता है कि to be structurally and functionally stable, एक protein को जो है वो four different level of organization depending upon protein to protein. There are some proteins जिनके अंदर जो major structural elements and these are the secondary structures. उनके अंदर tertiary और quaternary structure की percentage comparatively कम है या zero है. यानी देर आर सम प्रोटीन जिनके अंदर सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है और बेसिकली प्रोटीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसे मेंटेन करने के बाद अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करना शुरू कर देती है. बट देर आर सम प्रोटीन जिनको अल्टीमेटली फंक्शनल होने के लिए सेकेंडरी से भी आगे जो स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं विच आर टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर उनको एक्वायर करना जरूरी होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन टू प्रोटीन हर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है with respect to its structure and with respect to its function वो different है. So what are the four level of organizations और कौन कौन सी forces involved हैं which are required to maintain these structures? इनको हम लोगों ने last lecture से पढ़ना शुरू किया था. So first of all I will briefly go through the previous structures, primary and secondary structure और इंशाल्लाह आज के lecture में हम tertiary, quaternary structure और उसके बाद जो classification है proteins की on the basis of these structural elements उसको cover करेंगे. So, as we all know कि primary structure of protein is only an information of amino acid number and sequence of amino acid in a protein. For example, if we say the protein A, B and C, they are the three different types of proteins. So, हमें ये पता है कि in three different types of proteins में number of amino acid भी different है और उन amino acid की sequence भी different है. So after solving the primary structure of these three proteins, जैसे मैं आपके सामने कोई भी proteins कह रही हूँ A, B and C, अगर हम कहते हैं कि we know the primary structure of these three different proteins, it means कि we have an idea कि इन तीन different proteins के अंदर कितने amino acids हैं और वो amino acid किस sequence के अंदर present हैं. Like अगर आपके पास जैसे last lecture में हम लोगों ने लाइसोजाइम की एग्जांपल लेके इस पॉइंट को थोड़ा सा कवर किया था कि इफ वी हैव बच्चों पेंट फाइल शो हो रही है आपको अब देखिए जी अंकु पेंट फाइल. सो अगर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रोटीन जिसको हमने लाइसोजोम की एग्जांपल के थ्रू कुछ हद तक समझने की कोशिश की थी. सो इस प्रोटीन के अंदर एक तो आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नोन है, यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोटीन के अंदर 319 अमाइनो एसिड हैं, इट मींस के उस प्रोटीन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन पूरे के पूरे 319 अमाइनो एसिड्स की जरूरत है. अगर आपके पास उस प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 319 से कम या 319 से ज्यादा होगा, इट मींस कि उस प्रोटीन का फंक्शन और स्ट्रक्चर ये दोनों जो है ये इफेक्ट हो सकते हैं. सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इक्वली इंपॉर्टेंट है. वी नो देयर आर सम प्रोटीन्स जिनके अंदर अगर अमाइनो एसिड नंबर की वेरिएशन आएगी, इसमें चेंज आएगा, जिसे हम एक तरह की म्यूटेशन कह सकते हैं, डिलीशन कह सकते हैं या इंसर्शन कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास अमाइनो एसिड जो है वो एडिशनल प्रेजेंट है या अमाइनो एसिड मिसिंग है. So these addition and deletion of amino acids can disrupt the structure as well as function of the protein. For example, अगर आपके पास amino acid 318 है, there is a deletion of specific amino acid, so still ये protein के structure को disrupt कर सकता है. And if you have 320 amino acid, which means that you have additional amino acid, so ये additional amino acid भी protein को mutate कर सकता है, उसके structure और function को disrupt कर सकता है. So in addition to number of amino acid, आपके पास इन अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होना भी जरूरी है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रोटीन में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर यू हैव एन एलानिन, सेकंड पोजीशन पे ग्लाइसिन एंड देन सीरीन एंड फॉर एग्जांपल थ्रियोनिन, ये आपके पास फॉर एग्जांपल दीज आर द फोर अमाइनो एसिड और इन अमाइनो एसिड का इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होना जरूरी है. इसको रिलेट करते हुए समटाइम्स जो है वो म्यूटेशन का पॉइंट आता है कि अगर आपके पास इन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में किसी किस्म का चेंज आ जाता है, यानी बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन आपके पास जो सीरीन है फॉर एग्जांपल वो किसी और अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो गया, तो स्टिल ये म्यूटेशन, ये चेंज ऑफ अमाइनो एसिड
आपके पास जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि ना सिर्फ आपके पास जो प्रोटीन का नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, बट द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट. बिकॉज अगर इन दोनों में से किसी एक पैरामीटर में भी चेंज आएगा, किसी एक फीचर में भी आप जो है वो वेरिएशन ऑब्जर्व करेंगे, तो अल्टीमेटली प्रोटीन का स्ट्रक्चर और प्रोटीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है. सो आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था. अच्छा, यहाँ से हमने जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के कुछ जो है इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के व्हाय वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का पता हो तो उसके बाद हम प्रोटीन्स के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखने के साथ साथ जो एक चीज़ जो मेजर पॉइंट है दिस इज कि यहाँ पे आपके पास जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, विच आर द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट, दीज फोर्सेस आर पेप्टाइड बॉन्ड. यानी आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में और किसी किस्म की स्टेबलाइजिंग फोर्सेस नहीं है सिवाय पेप्टाइड बॉन्ड के, जो कि इन अमाइनो एसिड को आपस में लिंक करके रखेगा. सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वट आर द स्टेबलाइजिंग फोर्सेज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दीज आर दी कोवलेंट इंटरेक्शंस, पेप्टाइड बॉन्ड्स. अगर आप इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर दोगे, फॉर एग्जांपल इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इट मींस कि अब आपके ये जो दो अमाइनो एसिड है थ्रियोनीन, ये अपना यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर देगा. बिकॉज तो इसको यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन में रहने के लिए जो स्टेबिलाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड थी, जो बॉन्ड रिक्वायर्ड था, वो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है. सो आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें जो मेन फोर्स है, जो मेन इंटरेक्शन है, दीज आर दी कोवलेंट इंटरेक्शंस एंड द नेम ऑफ दीज कोवलेंट इंटरेक्शंस आर पेप्टाइड बॉन्ड. इफ यू विल हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड, इट मींस कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुके हैं. क्लियर है बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके. सो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जिस पॉलीपेप्टाइड चेन में, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर आप ये ऑब्जर्व करें कि यू हैव अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें मल्टीपल अमाइनो एसिड्स दे आर लिंक्ड विद वन एंड अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. सो ये जो आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रही है दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सिंपली एक आपके पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है. दिस वन आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि दिस इज द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन, जिसके अंदर आपको पता है कि इस प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर 129 अमाइनो एसिड जैसे यहाँ पे दिखाया गया, और उन अमाइनो एसिड्स के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड फर्स्ट है, फिर सेकंड, थर्ड एंड ऑल दैट. यानी आपके पास नंबर और उसके अलावा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अवेलेबल है. सो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करें कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये लीनियर या अपने एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में नहीं है. जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये बिल्कुल इस तरह से इंटैक्ट या लीनियर फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें आप फोल्डिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. लाइक ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट मीन्स कि ये बेंड हो सकती है, ये फोल्ड हो सकती है अक्रॉस अ कॉमन एक्सिस. और इस फोल्डिंग को देर आर सम इंटरेक्शन जो कि इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल इस अमाइनो एसिड और इस अमाइनो एसिड के दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशियली फोल्ड हुई थी, अब वो इस फोल्डिंग में, इस स्ट्रक्चर में वो लॉक हो जाएगी. सिमिलरली आपके पास यहाँ पे इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, देन इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान, इट मीन्स कि अगर तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो अक्रॉस अ कॉमन एक्सिस वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगी, और इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक किस्म की इंटरेक्शंस बनना शुरू हो जाएगी, तो प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकती है. लाइक यहाँ से हमने एग्जांपल डिस्कस की थी इस चीज की, अल्फा हेलिसेस की, कि मेजरली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विच आर द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं. फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स एंड द सेकेंड वन इज बीटा शीट. सो इन दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो इंडिविजुअल जो लीनियर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो समटाइम फोल्ड होना शुरू हो जाती है, समटाइम वो बेंड होना शुरू हो जाती है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फोल्डिंग और द बेंडिंग, और उसके बाद जो है वो किस किस्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवेलप होगा, उसकी बेसिस पे हम इन्हें अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स हैं, ये दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनको डिफाइन करते हैं.
तो अगर तो आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो एक एक्सिस के अराउंड इस तरह से कॉइल की फॉर्म में जो है वो रैप होना शुरू हो जाए और इसमें अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाए, तो इस तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप कहते हैं अल्फा हेलिक्स। जबकि अगर आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें सिंपली आप बेंड्स ऑब्जर्व करें, यानी उसमें जो आपके पास जो दो लीनियर फॉर्म्स है वो एक दूसरे को फेस करने लग गया, फिर उनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हुई है, यानी यहाँ पे किसी किस्म की कोई कॉइलिंग नहीं हुई जैसे अल्फा हेलिक्स के केस में आप ऑब्जर्व करें, बल्कि सिंपली जो चेन थी वो लीनियर फैशन में एक दूसरे को फेस करना शुरू हो गया और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। सो इस बेस पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसे हम कहेंगे बीटा शीट। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें से जो अल्फा हेलिक्स है इसकी फिर हमने प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था कि अल्फा हेलिक्स के अंदर हमेशा जो बैकबोन है उसके अंदर आपके पास जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे, साइड चेन्स आर नॉट दी पार्ट ऑफ सेकेंड आर नॉट दी पार्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स। लाइक अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्रोटीन फोल्ड हो रही है, जब प्रोटीन फोल्ड हो रही है वो एक एक्सिस के अराउंड जो है उसकी कॉइलिंग हो रही है, तो इस दौरान आपका जो बैकबोन है जो आपका ये हेलिकल पोर्शन है उसके अंदर साइड चेन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साइड चेन जो है वो इस अल्फा हेलिक्स से बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हुए। इट मीन्स कि जब इस अल्फा हेलिक्स ने स्टेबलाइज होना है, जब इस अल्फा हेलिक्स की इस कन्फर्मेशन ने लॉक होना है, तो इस कन्फर्मेशन को लॉक करने में ये आर ग्रुप या साइड चेन्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, बल्कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड ऑक्सीजन और पेप्टाइड हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा, यानी जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका ऑक्सीजन एटम और अमाइनो ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन एटम लिंक है, ये दोनों बेसिकली ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवेलप होगी। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि हर केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो इन्हीं दो ग्रुप्स के दरमियान बन रहा है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइनो ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन है, बेसिकली ये वो साइट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनिशियल कॉइलिंग होना शुरू हुई थी ये कॉइलिंग स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी, यानी प्रोटीन अपनी इस स्ट्रक्चर को लॉक कर ले। यानी अब आप यहाँ पे अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ इन स्टेबलाइजिंग फोर्सेस को कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है वो मेजर इंटरेक्शन जो है दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड तो डेफिनेटली होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा, यानी आपके पास अगर पहला अमाइनो एसिड एलानिन है तो उसे नेक्स्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के साथ उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या उसे यहाँ पे जोड़ के रखने के लिए जो मेजर इंटरेक्शन है दीज आर दी पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन उसके बाद जो इस अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर को इसकी इस कंफर्मेशन को लॉक करने के लिए इंटरेक्शन है या जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमेशा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो मेन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दीज आर दी टाइप्स ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर या प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो मेजर स्टेबलाइजिंग फोर्सेस थी वो कोवलेंट बॉन्ड थे, वो पेप्टाइड बॉन्ड थे, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं दीज फोर्सेस आर नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस या फिर दीज आर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके बाद आप लोगों के पास जो अल्फा हेलिक्स के डिफरेंट फीचर्स हैं, लाइक एक अल्फा हेलिक्स के अंदर टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड की बेसिकली यहाँ पे अल्फा हेलिक्स की इमेज क्या है, और इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये बेसिकली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी कॉइलिंग अलोंग द राइट हैंड हो रही है या लेफ्ट हैंड हो रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें कॉइलिंग को तो आपके पास जो अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब रूल आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन आएगी दिस पॉलीपेप्टाइड चेन विल बी राइट हैंडेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्ट है वो आपके राइट हैंड की तरह से जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड के अकॉर्डिंग होगा, जबकि ये जो लेफ्ट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आपका वो हेलिक्स होगा जिसमें आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये लेफ्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। लाइक एंड टर्मिनल जैसे ही कॉइल होना शुरू होगी तो ये कॉइलिंग जो है ये लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग होगी। सो इस पैरामीटर को या इस ओरिएंटेशन को अगर हम अप्लाई करें अपॉन द प्रोटीन तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं।
एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर जरूरी नहीं है कि उस पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हमेशा अल्फा हेलिक्स ही हो. एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर देयर इज अ पोर्शन जहां पे अल्फा हेलिक्स बन सकता है और उसके अलावा ऐसा पोर्शन भी एग्जिस्ट कर सकता है जो कि बीटा शीट बना सकता है. सो दीज आर द लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो सकते हैं. There are some portions of the polypeptide chain which have the potential to form alpha helix, so वो alpha helix conformation को adopt कर लेंगे. Still there are certain portions of the polypeptide chain जिनके अंदर potential है कि वो beta sheet बनाएंगे. So यहाँ पे आप observe करेंगे कि ये जो elements हैं, ये जो portions हैं, basically ये beta sheet की form में interact करेंगे. और कुछ portions जैसे कि यहाँ पे आप observe कर रहे हैं, they are not the part of any secondary structure. जैसे ये रीजन आप देखते हैं कि यहाँ पे ना तो अल्फा हेलिक्स है और ना ही बीटा शीट है. सो इन रीजन्स को हम कहते हैं लूप रीजन्स. और ये लूप रीजन्स नॉर्मली इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के दरमियान एक लूप रीजन है और दो बीटा शीट्स के दरमियान अगेन यू आर ऑब्जर्विंग अ सेकेंड लूप रीजन. सो ऐसा वो पॉलीपेप्टाइड चेन का वो पोर्शन जहाँ पे किसी भी किस्म का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ना ही वो अल्फा हेलिक्स का पार्ट है ना ही वो बीटा शीट का पार्ट है, इस रीजन को हम कहते हैं लूप रीजन और कॉइल रीजन. और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन करवाने के, उनके दरमियान जो मेजर इंटरेक्शन है उसको ये फैसिलिटेट करेंगे. सो इसके बाद हमने जो बीटा शीट की पैरेलल एंड एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है उसको डिस्कस किया था. और जो आज का जो मेजर पॉइंट है, इट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. सो बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा जो एक वेरिएशन ऑब्जर्व करनी है, ये वेरिएशन ये है कि यहाँ पे जो साइड चेन जो आर ग्रुप्स पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर किसी किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, किसी किस्म की स्टेबिलाईजेशन में इन्वॉल्व नहीं थे. क्यों इन्वॉल्व नहीं थे? बिकॉज ये बैकबोन में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. लाइक आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं इस केस में कि आपके पास जो बीटा शीट्स हैं, इन बीटा शीट्स के अंदर भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उस हाइड्रोजन बॉन्ड में आर चेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वो आर चेन इस इंटरेक्शन में रोल ही नहीं प्ले कर रही. वो यहाँ पे या तो अपवर्ड या फिर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुई होगी. सिमिलरली अल्फा हेलिक्स के केस में भी हमने कहा था कि जो हमारे पास अल्फा हेलिकल रीजन है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे साइड चेन अपना रोल प्ले नहीं करती, बल्कि जो साइड चेन ग्रुप्स हैं वो इस हेलिक्स से बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हुए होंगे, लाइक दिस वन. सो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे जो मेन स्टेबिलाईजेशन फोर्सेस हैं वो इन आर ग्रुप्स की वजह से, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में आर ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं थी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ग्रुप्स में नहीं थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइनो ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम है उनके दरमियान थी. लेकिन जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग के पीछे आर ग्रुप्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो अपना मेजर रोल प्ले करती है. लाइक यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यू हैव अ पॉलीपेप्टाइड चेन और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आपके पास मल्टीपल अमाइनो एसिड्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम पेन फाइल की तरफ ले जाए, दिस वन, तो हमें ये पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हमें इस चीज का आइडिया हुआ है कि जो एक प्रोटीन है उसके अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं. लाइक यहाँ पे आपके पास सपोज यू हैव अ पोलर अमाइनो एसिड और उस अमाइनो एसिड की साइड चेन में देयर इज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है. तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल रखता है. अगेन आपके पास यहाँ पे एक सेकेंड अमाइनो एसिड है और ये दोनों अमाइनो एसिड जो है दे आर लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड. ये सेकेंड अमाइनो एसिड अगर आप देखें तो दिस इज वैलीन, जिसकी साइड चेन जो है वो स्ट्रॉन्गली एक नॉन पोलर साइड चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं. अगेन आपके पास जो है वो थर्ड अमाइनो एसिड स्पोर्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दिस थर्ड अमाइनो एसिड कंटेन अ डिफरेंट साइड चेन. इसकी साइड चेन में आपके पास एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट है बिकॉज दिस इज अ सिस्टीन अमाइनो एसिड. सो जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होगी तो आपके पास नॉर्मली जो अमाइनो एसिड दूर दूर पड़े हुए थे, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट पोजिशन के अंदर प्रेजेंट थे, अब वो उनकी साइड चेन एक दूसरे को फेस करने लगती.
लाइक अगर यहाँ पे मैं इन अमाइनो एसिड्स की नंबरिंग करूँ, तो सपोज दिस इज द अमाइनो एसिड नंबर वन, और आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सपोज दिस इज द 17th अमाइनो एसिड. फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि पहले 17th अमाइनो एसिड से काफी दूर था, इनके दरमियान जो है वो 16 अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, दैट्स व्हाई इनकी साइड चेन्स एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रही थी. लेकिन ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फोल्डिंग की वजह से आपका जो पहला अमाइनो एसिड है इसकी साइड चेन इस 17th अमाइनो एसिड की साइड चेन के सामने आ गई. सो अब अगर आप इन दोनों अमाइनो एसिड की साइड चेन्स को ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर ऐसे ग्रुप्स हैं व्हिच कैन डेवलप द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. सिमिलरली अगर आप इस प्रोटीन के अंदर जो सेकेंड अमाइनो एसिड है, इस सेकेंड अमाइनो एसिड को देखें तो इसकी साइड चेन 15th अमाइनो एसिड की साइड चेन के सामने आ गई. सो ये जो आपके पास दिस 15th अमाइनो एसिड दिस वन ये विच इज बेसिकली अ वैलीन, और 22nd अमाइनो एसिड जो कि आगे आपके पास दोबारा से एक वैलीन रेसिड्यू है. सो इन दोनों की साइड चेन चूंकि हाईली हाइड्रोफोबिक हैं, ये हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस को डेवलप करेंगी, नॉन पोलर इंटरेक्शंस बनाएंगी. सो अगेन ये प्रोटीन की ये जो फोल्डिंग है इसको यहाँ पे लॉक कर देंगी. सो यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन वो अमाइनो एसिड जो कि प्रीवियसली बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, उनकी साइड चेन्स जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगी और अगर उन साइड चेन्स के अंदर किसी किस्म का कोई बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल है, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है. यानी पहले जो प्रोटीन एक लीनियर कन्फर्मेशन में थी, जो एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन में थी, वो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है और आफ्टर डैट वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में आके अपना जो स्ट्रक्चर है उसे लॉक कर देती है. सो यहाँ पे आप जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेस ऑब्जर्व कर रहे हैं अब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हाँ जी मैम, ये वैलीन ने डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ किस तरह बॉन्ड बनाया? डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं है, एक मिनट, ये आपके पास अमाइनो एसिड डिफरेंट है. लाइक यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये अमाइनो एसिड और है, और ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट है. जी मैम, लेकिन मैम ये जो वेलिन है ये तो पोलर है, इसने कैसे बॉन्ड बनाया? नॉन पोलर अमाइनो एसिड आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो भी आपस में वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं, नॉन पोलर इंटरेक्शन बना सकते हैं. जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल हैं दे आर एम्फीपैथिक इन नेचर, जिनमें पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. सो जो हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो आपस में वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन के थ्रू लिंक हो जाते हैं, और जो पोलर ग्रुप्स हैं वो आपस में पोलर इंटरेक्शन या फिर जो है वो एक्ट्रेस मीडियम के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं. सो यहाँ पे भी जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली एक वैलीन अमाइनो एसिड की, लाइक यहाँ पे अगर मैं इसकी साइड चेन को हाईलाइट करूँ तो ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक वैलीन की साइड चेन है, और ये दूसरा वैलीन जो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है ये उसकी साइड चेन है. सो दोनों के अंदर जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वो आपस में वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हैं. सो ये इंटरेक्शन बेसिकली यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का काम करेंगी जो कि इन दो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करके रखेंगे. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे स्टेबलाइजिंग फोर्सेस की बात करें तो ये स्टेबलाइजिंग फोर्सेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर से डिफरेंट है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर सिंपली एक तरह की इंटरेक्शन थी और वो इंटरेक्शन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऐसी साइड चेन्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगी. जहाँ पे वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन हैं बन सकती हैं वो वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन को डेवलप करेंगी. जहाँ पे आपके पास जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बन सकते हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस व्हिच इज अ टाइप ऑफ द कोवलेंट इंटरेक्शंस ये यहाँ पे बनेगी. और थर्ड आपके पास जो फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन है दीज आर दी आयनिक बॉन्ड्स. यानी अगर आपके पास जो है वो दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी साइड चेन्स में यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ये साइड चेन्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो डेफिनेटली ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो है ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे और आपके पास जो आयनिक इंटरेक्शन है वो डेवलप हो जाएंगे. सो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच कैन डेवलप बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड ये सारी के सारे इंटरेक्शन जो है वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबलाइज करने में अपना रोल प्ले करेंगे.
ठीक है. सो अल्टीमेटली आपकी जो लीनियर चेन है, जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्वायर कर लेगी. बच्चों यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स के, उनको डिस्कस किया. और यहाँ पे आप लोगों के सामने ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज हैं उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है. और ये चीज क्लियर रखिएगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो स्टेबलाइजिंग फोर्सेज हैं वो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करती हैं. दीज इंटरेक्शन में भी नॉन कोवलेंट और द वीक इंटरेक्शन, और दे में भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, जो सस्टेन अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये कोवलेंट इंटरेक्शन होगी और ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी. बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, आपके पास जो है वो एक परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. जबकि जो बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, दीज आर द टाइप ऑफ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जहाँ पे आपके पास परमानेंट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा, बल्कि जो ग्रुप्स हैं वो टेम्परेरी तौर पर अपने जो है वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाने के बाद जो है वो इंटरेक्शंस को डेवलप करें. सो ये दोनों तरह की स्टेबलाइजिंग फोर्सेस जो हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करेंगे. द फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, ये हर तरह की प्रोटीन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. क्वार्टरी स्ट्रक्चर सिर्फ उन प्रोटीन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है विच आर द मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, यानी ऐसी प्रोटीन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक से ज्यादा है. इससे पहले अगर आप टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर भी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के दरमियान जो है वो फोर्सेस की बात कर रहे हैं. इसी तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आपने एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बात की थी. लेकिन क्वार्टरी स्ट्रक्चर वो वाहिद स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसिडर करते हो. बिकॉज देयर आर सम प्रोटीन्स जिनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल सब यूनिट्स रिक्वायर्ड है. लाइक अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करो तो हीमोग्लोबिन में यू हैव फोर डिफरेंट सब यूनिट. तो कोई एक सब यूनिट इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि जब एज अ होल ये चार सब यूनिट हीमोग्लोबिन के फोर डिफरेंट सब यूनिट आपस में इंटरेक्ट करके एक स्टेबल क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में आएंगे, उसके बाद हीमोग्लोबिन फंक्शनल होगी. सो ऐसी सारी की सारी प्रोटीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज मोर देन वन, विच आर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स, उनके दरमियान क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं. लाइक यहाँ पे अगर आप हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल लें तो देर आर दी फोर डिफरेंट सब यूनिट्स जिनको फोर डिफरेंट कलर्स के थ्रू हाईलाइट किया हुआ है. सो जब आपके पास ये चार सब यूनिट इकट्ठे पैक होंगे, इकट्ठे एक फंक्शनल जो है वो फंक्शनल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आएंगे, तभी हीमोग्लोबिन जो है वो अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन जो है वो उसे एक्वायर करेगी. सिमिलरली इसके बिल्कुल साथ आप एक ऐसी प्रोटीन देखते हैं जिसमें थ्री डिफरेंट सब यूनिट्स प्रेजेंट है. सो जब ये थ्री डिफरेंट सब यूनिट्स प्रॉपर इंटरेक्शंस के थ्रू लाइन अप होंगे, उसके बाद ही प्रोटीन फंक्शन होगी. सो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर इज मेंट टू द इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन वन टाइप ऑफ द सब यूनिट. सो इसको अगर हम समराइज करें या इन प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम लिंक अप करें, तो वी कैन से कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड जिसके अंदर मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आर लिंक अप विद द पेप्टाइड बॉन्ड. यही जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है. लाइक देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और द बीटा शीट, जिनके अंदर ये जो प्राइमरी सीक्वेंस है जो अमाइनो एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक है. मैम आवाज नहीं आ रही. बच्चों अब क्लियर है? अब आ रही है?